मॉनिटर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ यूनिक मेडिसिनल प्लांट्स जो हम नॉर्मल डे में देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्लांट है दैट इज़ चिरचिटा, इसे हिंदी में चिरचिटा कहते हैं, इंग्लिश में प्रेकली चाफी फ्लावर। इसका बोटैनिकल नेम है एकायरेंथस एस्पेरा। ये एमरेंथेसी का मेंबर है। ये नॉर्मली एक हर्ब टाइप का प्लांट है एंड इसका होल प्लांट मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर हम इसका रूट का पेस्ट बनाकर गुड़ के साथ हमेशा सुबह खाली पेट खाएं तो ये पाइल्स में काफ़ी रिलीफ देता है और दांत में दर्द और पेट में दर्द में इसकी लीव्स काम आती हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा लट जीरा, जिसे हम ऑक्सनी भी कहते हैं, दैट इज़ एकायरेंथस बाइडेंटाटा। ये एमरेंथिसी का मेंबर है और ये एक हर्ब है। इसका मेनली लीफ यूज़ किया जाता है। लीफ का जूस बना के वाटर के साथ इसे मिक्स करके पेट दर्द में यूज़ किया जाता है और ये जो लीफ जूस है वो छोटे बच्चों को भी दिया जाता है जब उन्हें ग्लॉटिस या फिर टॉन्सिल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है बेलपत्री, बेल फ्रूट ट्री, ये सभी ने देखा होगा, दैट इज़ एगल मार्मेलोस। ये रूटेसी का मेंबर है। ये एक ट्री है और इसका फ्रूट यूज़ किया जाता है। इसका जो पल्प होता है वो वाटर के साथ मिला के इसका जूस बना देते हैं और ये बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। ये प्लांट है कपूर जड़ी, दैट इज़ माउंटेन नॉट ग्रास। इसका नाम है एरवा लेनाटा। ये एमरेंथेसी का मेंबर है और ये एक हर्ब है। इसका स्टेम बार्क लीफ सब जो है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका लीफ स्टेम बार्क को हम लोग पेस्ट बनाकर जो भी जहाँ पे भी इंसेक्ट ने बाइट किया हो वहाँ पे अगर लगा दें तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा नूरिया, दैट इज़ क्लाइंबिंग वूल प्लांट, एरवा सेंग्यूनोलेंटा। ये एमरेंथेसी का मेंबर है। ये एक हर्ब है और इसका लीफ यूज़ किया जाता है। इसकी लीफ को पानी में बॉईल करके जिंजर के साथ हल्का सा सॉल्ट मिला के इसका जो जूस बनाते हैं वो पेट दर्द में, स्टमक इन्फेक्शन में, कॉन्स्टिपेशन में या बाकी कोई भी पेट की डिजीज़ में इसे यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है हेल्थ वाइज। ये है अलुआ निर्फुलिया, दैट इज़ गोट वीड। ये वीड बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा जगह ये पाई जाती है। इसका नाम है एजिरेटम कोनोजॉइड्स। ये एस्टरेसी का मेंबर है। ये एक हर्ब है और इसकी लीफ यूज़ की जाती है। लीफ का पेस्ट जो है वो कट वाउन में लगा दिया जाता है क्योंकि इसमें हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा घी कुमारी एलोवेरा, वो सभी ने देखा होगा। इसका नाम है एलियो बारबिडेंसिस। ये लिलिएसी का मेंबर है। ये एक हर्ब है। इसका फ्लैशी पार्ट यूज़ किया जाता है। इसका जो फ्लैशी पार्ट होता है उसे वाटर के साथ मिक्स करके इसका जूस बना के अगर दो टाइम लिया जाए तो जिन लोगों को अर्थराइटिस होता है उन लोगों को थोड़ा रिलीफ हो जाता है। इसका जो फ्लैशी पार्ट होता है प्लांट का उसे हम लोग एक्सटर्नल वुड सोर्स इनमें लगा सकते हैं और ये वो कफ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और में भी खा भी सकते हैं और डैंड्रफ में इसे अप्लाई कर लिया जाता है सर पे और जिन लोगों को पिंपल होते हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कृष्णनील, ये है रेड चिकपिड। ये एनागेलिस अरवेंसिस इसका नाम है, दैट इज़ प्राइमोलेसी फैमिली। ये एक हर्ब है। इसका रूट यूज़ किया जाता है। इसका रूट को हम लोग सुखा लेते हैं और वाटर के साथ मिक्स करके स्नेक विनम के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। ये प्लांट हमारा है नीला पत्ता, इस हिंदी में नीला पत्ता कहते हैं, दैट इज़ कारपेट बुगल। अजूगा ब्रैक्टियोसा इसका नाम है। ये लेमिएसी का मेंबर है और ये एक हर्ब है। इसकी मेनली लीफ यूज़ की जाती है। इसका लीफ का पेस्ट जो है वो कोकोनट ऑयल के साथ मिला के स्किन इन्फेक्शन या फिर एलर्जी या फिर दाने या फिर सन टैन इस टाइप की चीज़ों में आराम से यूज़ किया जाता है। ये है हमारा नेक्स्ट प्लांट, दैट इज़ लेडी लेस। ये इसका बॉटनिकल नाम है अमीमीजस।
ये एपिएसी का मेंबर है और ये एक हर्ब है। इसका लीफ यूज़ किया जाता है। ये प्लांट धनिए के जैसा लगता है और इसकी लीव्स और सब धनिए जैसी होती हैं। इसका जो लीफ पेस्ट है वो किसी भी स्किन डिसऑर्डर में, एलर्जी में, इन सब में यूज़ किया जाता है। और इसका जो जूस है वो वाटर के साथ मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी कर देता है। कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसमें यूज़ किया कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बुगला, दैट इज़ पर्ली एवर लास्टिंग। इसका नाम है एनाफेलिस एडनाथा। ये एस्टरेसी का मेम्बर है, दैट इज़ हर्ब। ये एक इसका लीफ यूज़ किया जाता है। लीफ पेस्ट जो होता है वो कट वून्स और बॉयल्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा, दैट इज़ खुज्जा पत्ती। ये एक इंडियन वॉर्म वुड है, इसका इंग्लिश नेम है दैट इज़, और इसकी इसका बॉटानिकल नेम है आर्टिमीसिया नीलगैरिका, बट इसकी वैरायटी है सर्टेन ट्रायोनेलिस। ये एस्टरेसी का मेंबर है। ये एक श्रब है, इसका लीफ यूज़ किया जाता है। लीफ के पेस्ट को बना के इसमें वाउंड हीलिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और इसकी पत्तियों को पीस के जो रस निकलता है उसे कान में दर्द, कान में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सतावर, दैट इज एस्पेरेगस। ये इसका नाम है एस्पेरेगस ऑफिनेलिस। इसकी सब्जी भी खाई जाती है। ये लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। ये एक हर्ब है, इसका मेनली लीफ यूज़ किया जाता है। लीफ और रूट को क्रश करके उसका पेस्ट बनाकर, उसका लेप जैसा बनाकर, जिन लोगों को फीवर आता है तो उनके उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उनके सर पे रखते हैं, फोरहेड पे। और इसकी जो लीफ का जूस होता है वो आँखों, आई इन्फेक्शन, कंजेक्टिवाइटिस, इन सब चीज़ों में आँखों पे अप्लाई किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है, दैट इज़ कमरक। इसकी भी सब्जी खाई जाती है, दैट इज़ कैरम्बोला एप्पल। इसका बोटेनिकल नेम है एरियोला कैरम्बोला, दैट इज़ फैमिली एरियोएसी। ये एक स्मॉल ट्री होता है, दैट इज़ फ्रूट हम इसका यूज़ करते हैं। जिन जिनको डायरिया होता है, अगर इसका फ्रूट जूस हम लोग पानी में मिला के 2-3 बार पिए दिन में तो डायरिया में राहत मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।